नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष्ट न्यूज चैनल। चंबल घोष्ट न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अब बेटियों के लिए भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बेटियां भी अब भारतीय सेना में अपनी भागीदारी निभा सकेंगी। उक्त वक्तव्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल टीपी श्याम कृष्ण ने कहे। कर्नल श्याम कृष्ण रोटरी क्लब मचकुंड के सहयोग से टाइगर मार्शल आर्ट द्वारा चलाए जा रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिविर में जो भी कुछ टेक्निक आपको सिखाई गई है उसका घर जाकर नियमित अभ्यास करें, जिससे उसमें महारत हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बेटियों के लिए प्रवेश होने लगे हैं। बेटियां उसके लिए तैयारी करें और देश सेवा में भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर जिले में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है संसाधनों की। सीमित संसाधनों के बीच भी धौलपुर की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का नाम गौरवान्वित कर रही हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। सचिव दीपक चाहर ने सभी मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन एडवोकेट रंजीत दिवाकर द्वारा किया गया। बिजली घर के सामने धौलपुर रोड होते हुए तहसीलदार की तवैया से आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पीछे से हौद को जाने वाली रास्ते में डीपी रखी हुई है। उसके दोनों तरफ से गेट खुले हुए हैं। भैंस वहां से निकली तो हो बिजली के तारों से जा टकराई। बिजली विभाग के लोगों ने जबरदस्ती से डीपी के पास से मृत भैंस को ले जाने का प्रयास किया था कि किसी को पता ना लगे, परंतु पड़ोसी जल्दी से जल्दी पहुंच गए। भैंस के परिजन भी जल्दी से पहुंच गए। पीड़ित हरेंद्र पुत्र शिवचरण का कहना है कि पहले भी एक भैंस की मृत्यु हो चुकी है। बिजली विभाग में कई बार डीपी के बारे में जानकारी दी, परंतु बिजली विभाग किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करता है। अब इस बार मैंने बाड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। अगर सही तरीके से एस डी पी को नहीं जोड़ा गया तो मैं कोर्ट का सहारा लूंगा व बिजली विभाग के बड़ी अधिकारियों से भी शिकायत करूंगा। सर, पुत्र श्री शिवचरण यहाँ ABM स्कूल के पीछे रहते हैं। हम ये रास्ता तहसीलदार की तिवरिया से हौद के लिए जाता है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बीच रास्ते में ये बिजली विभाग की लापरवाही से यहाँ पर ना इसकी देखरेख होती है। इसकी जो खिड़कियाँ हैं वो खुली हुई पड़ी रहती है, ना कोई यहाँ पर आता है और यहाँ पर आए दिन भैंसों की मौत होती रहती है। पहले भी एक भैंस की मौत हो चुकी है और आज ये दूसरी भैंस की मौत हो चुकी है ये बिजली विभाग वाले। और आके हमें अभी ट्रैक्टर लेके आए थे, धमकी दे रहे थे कि हम इसको ले जाएंगे और हमें धमका रहे थे यहाँ से इसको उठाने के लिए, जिससे कि हमारे ऊपर कोई केस ना बने। और ये भैंसों की आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भैंसों की मौत हुई है इस भैंस की। और बिजली विभाग वाले ऐसे ही वो प्रॉब्लम करते रहते हैं। ये कोतवाली थाना क्षेत्र के कामरे का पुरा गांव में शुक्रवार देर रात दो दोस्तों के बीच झगड़े के बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक युवक हाथ में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देर रात को परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग के बाद आरोपी घायल को मौके पर छोड़कर उसके ट्रैक्टर और ट्रॉली को लेकर भाग गए। फायरिंग में घायल हुए युवक मंजू पुत्र रोशन सिंह ने बताया कि वह दिन में ठेके पर ट्रैक्टर ट्रॉली को चलाकर कामरे का पुरा गांव में अपने खेतों पर जाकर सो गया। देर रात करीब 10 बजे उसके दोस्त मुरारी पुत्र सुवरण ने फ़ोन करके शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसों की मना करने पर उसका दोस्त मुरारी दो साथियों के साथ उसके खेतों पर पहुंच गया, जहां मुरारी ने देसी कट्टे से युवक मंजू पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में हाथ में गोली लगने से घायल हुए युवक मंजू को छोड़कर आरोपी मुरारी और उसके दो दोस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को स्टार्ट कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद घायल मंजू को परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर घायल के भाई वकीला गुर्जर ने कोतवाली थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। खेत जोते थे फिर रात 10:30 बजे पहुँचे और फायरिंग करी है। फायरिंग करके और ट्रैक्टर पर यह आया स्टार्ट करके और मेरे गोली लगती है। घटना किस गांव की है? कामरे के पुरा मेरा बोरे में कामरे के पुरा से 200 मीटर आगे।
भाजपा युवा मोर्चा बसई नवाब मंडल अध्यक्ष विपिन मुदगल ने बताया कि गांव शास्त्र नगर में एक लावारिस गौ माता 4-5 दिन से ना तो कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी और उसके पेट में 8 माह का बच्चा था। उसकी बहुत ही गंभीर हालत थी। उन्होंने धौलपुर मनिया सब जगह बात की, उनकी किसी ने मदद नहीं की। फिर उन्होंने कुछ लोगों से मिलकर पैसे एकत्रित किए और वो भाड़ा करके उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी हॉस्पिटल मथुरा लेकर गए तो वहाँ भी डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। वो बोले कि इनके साथ रहना होगा और दवाइयों का और उसके खाने का सारा खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा और आप ये सब नहीं कर पाओगे तो आप इसे वापस ले जाओ। फिर जो वाहन टेम्पू था वो मैं मथुरा मेन रोड पर छोड़कर भाग आया। फिर उन्होंने सुरभि गौशाला में संपर्क किया और बहुत निवेदन किया, तब वहाँ पर पहुँचा कर आए और साथ ही ट्रीटमेंट चालू करवा कर तब आए। उनके साथ लोकेंद्र रावत रहे जिसने धन एकत्रित किए, वो अनिल शर्मा, राकेश शर्मा, मनीष गुर्जर, बिज्जू गुर्जर ने सहयोग किया। रजक समाज राजा खेड़ा के द्वारा सचिन कुमार को रजक समाज व SC/ST आयोग राजा खेड़ा का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर रजक समाज के गणमान्य लोगों ने सचिन को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पर रहे दिनेश चंद्र नायब तहसीलदार ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरूतियों का खात्मा कर शिक्षा पर पूर्ण जोर दिया जाए। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष सचिन कुमार समाज सेवा एवं समाज को संगठित करने के लिए गाँव गाँव डाड़ी डाड़ी जाकर लोगों को महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर समाज के लोगों ने अपने दोनों हाथ उठाकर सचिन दिवाकर का समर्थन किया तथा तन मन धन से सहयोग करने की बात कही। इस मौके पर योगेश ढाकरे, सूरज, दयाकांत सक्सेना, केदार, माता प्रसाद, तेज सिंह, विजय सिंह, बाबूलाल तेज सिंह, धन सिंह, जालम सिंह, तेजराम मिश्रीलाल, विनोद इत्यादि उपस्थित रहे। आज दिनांक 25 जून 2022 को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर पर धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य स्तरीय संभाग सम्मेलन में भाग लिया। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी के द्वारा हुई। इस संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राजस्थान के विधानसभा प्रभारियों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के पार्टी द्वारा किए गए विगत समस्त कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही चुनाव प्रभारी इस मीटिंग में कहा गया कि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ मजबूती से एकजुटता के साथ खड़ी हुई है। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी तरह के किसी भी द्वारा यदि कोई अनावश्यक दबाव डाला जाता है या उसको बेवजह परेशान किया जाता है तो पार्टी द्वारा संवैधानिक तरीके से ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। पार्टी पूरी तरह से प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ खड़ी हुई है। धौलपुर टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई। मूनवी अहमद फारूकी ने कहा पार्टी की गतिविधियों को प्रभारी जी को अवगत कराया। मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने कहा धौलपुर की चारों विधानसभाओं पर जल्द ही ब्लॉक प्रभारी बनाए जाएंगे। हास्य कलाकार ख्याली जी ने भी पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत हो मैं वहाँ वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हूँ। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरा भाई है। इस मीटिंग में धौलपुर बाड़ी बसेड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मूनवी अहमद फारूकी, पंकज शर्मा, शब्बीर खान, अनूप शर्मा, महेंद्र सिंह परमार, हजारीलाल, शिवराम गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज जिले के थाना नेहालगंज थाना पुलिस द्वारा बिना हेलमेट और बिना नंबरी वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया, जिसमें लगभग 100 से अधिक वाहनों के चालान किए गए। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर समझाया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के आदेशानुसार बिना नंबरी, बिना हेलमेट और संदिग्ध वाहनों की आज सुबह से ही चेकिंग चालू की गई है, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई है। कितने चालक हुए हैं? करीब अभी तक 100-125 चालान। राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। पूर्व विधायक अब्दुल संगीर ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया त्यागपत्र। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा त्यागपत्र। भाजपा को छोड़ कांग्रेस में आए थे पूर्व विधायक अब्दुल संगीर खान। अचानक कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। पूर्व विधायक बता रहे व्यक्तिगत कारणों से दिया है त्यागपत्र। 2008 में धौलपुर विधानसभा से भाजपा की टिकट पर की थी जीत हासिल।
आज भारतीय जनता पार्टी मंडल सैपू द्वारा इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाया। मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल ने कहा कि आज से 47 वर्ष पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। इस दिन लोकतंत्र की आत्मा की हत्या की गई, क्योंकि लोकतंत्र कागजों में लिखा हुआ संविधान ही नहीं है बल्कि भारत की जन जन की आत्मा में निवास करने वाला है। मंडल महामंत्री जी तिवारी ने कहा कि इस दिन को आज भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के रूप में मनाया। 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण से राजबरेली से चुनाव जीता। चार साल बाद 1975 में राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इंदिरा गांधी द्वारा रायबरेली से जीता गया चुनाव सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके एवं जनता जनार्दन पर दबाव बनाकर जीता गया। कोर्ट के फैसले के बाद उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया एवं राजनारायण को विजयी घोषित किया गया। इस वजह से अपनी कुर्सी जाने के कारण 25 जून की मध्य रात्रि को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को पत्र लिखकर इमरजेंसी लगाने के लिए कहा और पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं जनता दल के बड़े बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया। जनता के अधिकारों का हनन किया गया। चारों तरफ त्राहिमाम होने लगी। अत्याचार जनता पर बढ़ गया। चारों ओर भ्रष्टाचार होने लगा। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश बघेल ने बताया कि विरोध करने पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, जी जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। इंदिरा गांधी ने अपने को सत्ता में रहने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ा, चाहे देश का कितना भी नुकसान हो जाए। गांधी खानदान ने सत्ता में बने रहने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका आदि पर दबाव बनाकर आपातकाल को देश में पुरुषों की नसबंदी कराई। इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, प्रताड़ना सहन करके 21 माह बाद लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए संघर्ष किया। सारी मुसीबतों को झेलकर राष्ट्र के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए तत्पर रहने वाले देशवासियों को नमन करता हूँ। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला धौलपुर प्रेस वार्ता बसेड़ी में ब्रजराज सिंह परमार ने नेतृत्व में प्रेस वार्ता संपन्न हुई, जिससे जिला अध्यक्ष परमार ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा चुनावी वादों के अनुरूप कांग्रेस ने किसान कर्ज माफ करने की बात कह के किसानों से वोट लिए थे। अब किसानों के साथ वादा खिलाफी करके कर्ज माफ नहीं करने पर किसान स्वयं को ठगासा महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने झूठे वादे कर किसानों की जमीन नीलाम कराई और जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने वादा खिलाफी के खिलाफ एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो जिले स्तर से मंडल स्तर और ग्राम पंचायत स्तर तक हस्ताक्षर अभियान दिनांक 25 जून से 25 अगस्त 2022 तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर माननीय सुरेश कौशिक जिला उपाध्यक्ष धौलपुर बीजेपी ने आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया था, उसका विरोध काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया तथा संभाग प्रभारी विस्तारक राजवीर सिंह राजावत ने राजस्थान के लोगों को छलावा करने के बारे में बताया। जिला महामंत्री किसान मोर्चा सत्यपाल सिंह ने बताया कि 25 जून से पूरे जिले में हर मंडल पर सरकार के झूठे वादे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में उपस्थित श्री भैरव सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष बसेड़ी ऋषि मुदगल, प्रभारी किसान मोर्चा मंडल जाएगा राम अवतार सिंह कोषाध्यक्ष, सुमेरा कोहली प्रभारी किसान मोर्चा बरसेड़ी मंडल, भानु प्रताप सिंह, पंकज शर्मा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष जाएगा आदि अन्य किसान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कांग्रेस की सरकार बनने से पहले राहुल गांधी जी धौलपुर में आए और सभा के अंदर किसानों, लाखों किसानों के बीच में घोषणा की राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो दस्तक गिनती तक किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करेंगे। लेकिन आज तक 3.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, आज तक किसानों का कोई ऋण माफ़ नहीं किया।